ऑल राइट, सो फाइनली अभी सब पैकअप करके निकल गया हूँ। बस अभी एक दो बीचेस मैंने सोच के रखे, क्योंकि नॉर्मली सब जाते ही है बाकी सब बीच एक्सप्लोर करने के लिए, मुझे हिडन वाले एक्सप्लोर करने। तो आज भी प्लान कुछ ऐसे ही रखा है मैंने, बट ये ब्रिज पहले मुझे ढूंढना होगा, क्योंकि मुझे खुद को नहीं मालूम ये है किधर। अभी गूगल बाबा के भरोसे पे चल रहे हैं हम लोग, देखते हैं किधर है क्या है। बट अगर उधर पहुँच गया तो भाई वो जन्नत जगह है, फुल पीस है एकदम, और इतना सीनिक है ना वो, क्या ही बताऊँगा आपको। मगर इधर एक चीज़ यार, गोवा में बाकी सब सही लग रहा है, धूप जो हालत ख़राब कर रही है ना। मस्टैंग, ओहो मस्टैंग, मस्टैंग देख के यार दिल खुश हो गया। ये टाइम बस धूप वाला है यार, बट कम से कम शाम जैसी तो गर्दी नहीं है। मतलब इतना रश होता है ना शाम में, कल मैं निकला था शाम में, लिटरली बोल रहा था मैं इरिटेट हो गया था, बाइक हिलाने के लिए तक जगह नहीं मिल रही थी। इतना टूरिज्म आ चुका है ना अभी इधर, क्या बोलूँ। तो ये टाइम एक हिसाब से सही है, क्योंकि जहाँ पे जा रहा हूँ लोकेशन सब खाली मिलेंगे, क्योंकि सब यही सोचेंगे क्या धूप है, बाद में निकलते शाम में निकलते, और तब तक जो लोकेशन मुझे चाहिए वो मैं कवर कर लूँगा। बस यही प्लानिंग से निकला, और आज दो तीन लोकेशन से एक ही दिन में करना है, तो देखते हैं अभी क्या क्या कर सकते हैं। मैं निकला हूँ, मतलब मैं तो पूरा ट्राई करूँगा कि मैं सब लोकेशन कवर करके ही निकलूँ, जो जो मेरे रह गए थे। मतलब लास्ट टाइम मैंने किए थे, बट वो ब्लॉग में इंक्लूड नहीं किए थे मैंने, तो इस बार हम ट्राई करेंगे कि वो सब इंक्लूड कर लूँ और अच्छे से एक्सप्लोर करूँ। मस्त फ्लैश बैक आ रहे, जब पिछले टाइम आए थे तब ये सब जगह पर रुके थे हम लोग, तो वो सब याद आ रहा है। व्हाट अ ब्यूटी यार। और आई गेस अभी इधर से राइट मारने पे पंजी आता है, जितना मेरे को याद है। हाँ हाँ, पंजी आता है इधर से राइट मारने पे। वो क्या सब कैसीनोज राइट साइड में, मेरे तो सब कैसीनोज है। क्या ब्रिज बन गया है यार, लास्ट टाइम मैं जब आया था तब ये ब्रिज का काम चालू था, और अभी पूरा रेडी है ब्रिज, और एक नंबर ब्रिज है यार। बांद्रा का सीलिंग लग रहा है ये, लग रहा है यार। जब ये ब्रिज बना था हम लोग वो रोड से गए थे। चलो बाइक एक बार फुल कर लेता हूँ, क्योंकि अभी रिजर्व में लगने वाली है बाइक, तो पहले बाइक को फुल करा लेता हूँ यहाँ से। जाना किधर है, पेट्रोल सस्ता है इधर, 97 रुपीज़ है। मुंबई में 105-107 चल रहा है गैस। चलो फुल कर दो ना। फुल? हाँ। बस 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 रहा? आएगा और नको ना, बस 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 देख 2366 पूरा बाहर आ गया। एक टू थ्री सिक्स सिक्स
बाइक को एक बार अच्छे से वॉश कराना पड़ेगा इसमें। ये बंदे ने सामने बैठे बैठे सब्सक्राइब कर लिया मेरे हिसाब से, ये कब से देख रहा मैं देख रहा हूँ। सो बाइक अभी फुल हो गई है तो अभी तो कोई टेंशन नहीं है, सबसे मेन इधर पेट्रोल का इशू लगता है यार। और ये एक ट्रैफिक, ट्रैफिक नहीं आ गया, सिग्नल है। हाँ सिग्नल है, आ गया। कम से कम एक से सवा घंटा हो चुका है बाइक बस चले जा रही है, मुझे अब तक ये नहीं समझ आ रहा है तो ये प्लेस है किधर, ऐसे कौन से कोने में आ गया हूँ मैं गोवा के, मेरे को खुद को नहीं पता है। ये सब कलरफुल हाउसेस है ये, और मैप बाबा घुमाया जा रहा है। कब से गाड़ी चल रही है यार, अभी भी वो 10 किलोमीटर दूर बता रहा है। बहुत प्रॉपर गोवा में आ गया लगता अंदर के साइड। अगर कल्चर बहुत सही लगा यार, हर घर अपने से बोलते ना दूसरे से अलग है, एक तो उनके कलर्स अलग ही है। और जिस जगह मैं जा रहा हूँ अभी तक मेरे को उसका कहीं नामो निशान नहीं दिखा है, क्या हाँ मैं सही रास्ते पे हूँ नहीं हूँ कुछ भी नहीं दिखा है। बस दिख रहे हैं ये नारियल के झाड़ और ये कलरफुल घर बस, और हर रोड सेम लग रहा है मुझे। ये रोड मेरे को लग रहा है गोवा से बाहर निकाल देगा डायरेक्ट हम लोग को। समंदर वाली वाइब तो आ रही है इधर, क्लाइमेट ऐसा अलग लग रहा है इधर कि अभी हम समंदर के नज़दीक में हैं। बस चलना है, मालूम पड़ा इतना नज़दीक आ गए क्या, जिधर स्टे किए उधर से दूर हो गए। ये गोवा का कौन सा कोना है एक बार समझ आ जाए। ये किधर आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम। अरे हाँ समंदर तो डायरेक्ट दिख रहा है, बोला था ना ऐसा क्लाइमेट चेंज हो चुका है वैसे तो, बट डायरेक्ट समंदर है। बीच किधर है इसमें, कुछ ज़्यादा ही हिडन जेम ढूंढने निकल गया वो लग रहा है मेरे को। बहुत यार ये निकलने का टाइम, ये रोड है ना सच में कंफ्यूज करने वाला है रात में। ऑब्वियसली बात है 4 बजने आ गया है, निकलने में रात ही होने वाली है अभी। किधर आ गया यार, समंदर के बाजू से जा रहे थे, बाजू में समंदर है। सो मालूम तो नहीं मैं किधर पहुंचा हूं, बट मैप बाबा ने इधर तक ही लेके आया है और इसके आगे चलना पड़ रहा है ऐसा दिख रहा है। तो देखते बहुत सुमसान मिल रहा है यार, किसी को पूछने के लिए लोग तक नहीं है यहाँ पे। अभी बीच तो दिख रहा है यहाँ पे,
बट आई होप क्या जो हम लोग ढूंढ रहे थे वही बीच हो। वैसे बीच तो मिल गया, एक कोई पूछने के लिए मिल जाए तो एक बार सॉर्टेड हो जाता। देखते बीच तो स्टार्ट हो गया। सो वेट इज़ ओवर, फाइनली बीच मिल गया। और जैसे मैंने बताया इतना क्राउडेड टाइमिंग में भी कोई नहीं है, देखो बस एक दो लोग मुश्किल से दिख रहे हैं यहाँ पे, पूरा सुमसाम। फुल चिल है यार, और इतनी शांति जिंदगी में कभी नहीं सुना था मैंने कोई बीच पे, पूरी वेव्स की आवाज़ आ रही है। ये है वो बीच, इसे बैतूल बीच करके भी जानते होंगे। ये बीच की स्पेशलिटी ये है कि इसकी ये साइड भी समंदर है और ये साइड भी समंदर है, और इसी पे एक लाइन जैसा बीच में। मैं इसका फोटो अटैच कर दूंगा आप लोगों के, ये रियल मतलब कैसे दिखता है जब पानी कम हो जाता है ना, तो ये बीच कैसे दिखता है वो आपको एक फ़ोटो डाल दूंगा मैं साइड में, तो उधर से आप देख लेना। बाकी पूरा पीस आउट बीच है, ये देखो कोई नहीं है यहाँ पे। ये मैं बोल रहा था इधर से एक समंदर मिलता है और यहाँ से एक समंदर, और ये बीच में बस इतना ही एक पोर्शन है जो इधर तक आता है बस। और ये भी अभी पानी ज़्यादा होगा इसलिए इधर तक है ना, तो आगे तक जाता है वो। क्या प्लेस है देखो, मस्त चेंज करके स्विम करने के इसमें था, बट वहाँ पे वार्निंग लिखा हुआ है कि स्विम नहीं करना है इधर, तो हम शांत हो गए। वैसे भी इतना अच्छा तो स्विमिंग नहीं आता कि हम समंदर में तैर लेंगे, तो कुछ नहीं अभी इसके ऊपर थोड़ा शूट वगैरह करता हूँ, थोड़ा एरिया एक्सप्लोर करता हूँ और क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे। बाकी फुल अभी गोवा में आया तब से सबसे पीस आउट जगह लगी है मुझे इतने इसमें। सो पूरा बैतूल बीच हमारा एक्सप्लोर करके हो गया, और बहुत सही जगह है यार, मतलब पूरा पीस आउट है, कोई यहाँ पे पब्लिक नहीं कुछ नहीं, बहुत लिमिटेड लोगों को ये जगह मालूम है और बहुत अंदर भी है, तो इस वजह से पब्लिक यहाँ पे बहुत कम रहेगी। और कितना ब्यूटीफुल सा सनसेट हो रहा है देखो अभी यहाँ पे, मतलब तीनों साइड से इसमें पानी है और बस ये बीच है बीच में, बट बहुत अंदर है ये, बहुत अंदर। मतलब इसमें तुमको अंधाधुन गूगल मैप पे थोड़ा भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि वो किधर से भी लेके आ रहा है, बट उसने लाया है जगह। अभी लगी है बहुत सारी भूख,